तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे चरनी लेने के लिए, चरनी का एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। हम लोगों ने एक दिन पहले ही ऑर्डर दिया था, तो अंकल ने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, तो फिर एंजल उसी को करेक्शन करा रहा है। और ये देखिए, अंकल को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था, तो एंजल उसका थोड़ा हेल्प कर रहा था और ख़ुद ही हेल्प करने के लिए लग गया उस पर। और फिलहाल हम लोगों का स्ट्रक्चर रेडी हो गया, तो अभी हम लोग इसको घर की ओर लेके जा रहे हैं। हम इसको चलाएंगे। तुमको पीछे हम बैठा के इसमें ले जाएंगे। अभी हम लोगों ने चरनी का स्ट्रक्चर लेके आया और यही फ्लैट के नीचे चरनी बना रहे हैं। और एंजल बहुत मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पे एंजल और आयुष मिलके चरनी को बना रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। नहीं, सो जाना ठीक है, तुम्हारे लिए हम ला देंगे कंबल अम्बल। आज तुम बालक ये सुबह जाना ठीक है। वैसे भी तुम एंजल हो, देखो कितना सुंदर दिख रहा है मून। अरे पागल। एंजल पूरा जोर शोर में पूरा तैयारी कर रहा है, बेचारा चर्च भी नहीं गया है, चरनी बना रहा है ना एंजल, अपना आसियाना बना रहा है, आसियाना। अभी और काम बाकी है फिलहाल। तो ये देखिए, हमारा चरनी ऑलमोस्ट आधा रेडी हो गया है बनके। मेरी कमियां लड़की है, एकदम बहुत काम की है आज, सबसे एक एक करके सबको पूछी है, चमका दी एकदम मस्त। तैयारी ऑन गोइंग प्रोसेस पर है। तो ये रहा हमारा चरनी जो पूरी तरह बन के तैयार है। इसी चरनी में, इसी गौशाले घर में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आज ही के दिन जन्म लिया था। ये काफी सुंदर लग रहा है, एंजल पूरा दिमाग लगा के पूरे चरनी को सजाया है, जो कि काफ़ी सुंदर है। तो ये हमारा फोर्थ फ्लोर का कॉरिडोर का डेकोरेशन है, जो कि एंजल सजाया है, बहुत ही सुंदर। ये रात में ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना मिनी? तो ये हमारे अपार्टमेंट का सुंदर सा लाइटिंग से सजा हुआ डेकोरेशन है, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो आज ही के दिन पूरी दुनिया में हर जगह क्रिसमस का त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह जो पर्व है, ईसाई धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। माना जाता है कि इस दिन ईसाई धर्म के संस्थापक प्रभु यीशु का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इस खुशी में यह पर्व उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाने लगा। तो हमने इस प्रकार
क्रिसमस की तैयारी की। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपने क्रिसमस की तैयारी कैसे की। और सभी को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। एंड हमें ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।